हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य 10वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन, नीले, लाल और पीले सुंदर फूलों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का प्रसाद और कुंजर नामक शाक का भोजन अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए, ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल अथवा घृत स्नान भगवान नरसिंह को कराना चाहिए। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उबटन भी लगाना चाहिए। कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर पर तेल लगाकर स्नान करें। उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए, भगवान नरसिंह इससे प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवार इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा जो भी कोई व्यक्ति करता है, उसके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है, धन धान्य की समृद्धि होती है, पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति होती है, इस लोक का सुख भोगकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति को भी पाता है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह जी का उत्तम व्रत कहा है। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी भी ब्राह्मण को शरीर पर लगाने के लिए तिल का तेल देना चाहिए। उसे घर बुलाकर भी ऐसा कर सकते हैं। तेल लगाएं, फिर उसको जल से स्नान करवाएं। श्रद्धा पूर्वक नरसिंह जी के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी भी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल या फिर आप दान स्वरूप काली गाय या बछड़ा भी दे सकते हैं। सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। शनि देव मुझ पर प्रसन्न हो, उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द भी डालने चाहिए। हे मुनि, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनेश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित इंद्र नील मणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गीत पर आरूढ़ है, यम इनके अति देवता है, ब्रह्मा इनके प्रत्याधि देवता है। ये कस्तूरी अगुर का तथा गंध और गुगल का धूप ग्रहण करते हैं, इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ये विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विश्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा से कृष्ण अथवा काली वस्तु दान देनी चाहिए। ब्राह्मणों को काले वस्त्र दान में देने चाहिए। काला बछड़ा या काली गाय भी दान में दे सकते हैं। विधिवत पूजा करके इसकी प्रार्थना तथा स्तुति भी करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया था, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनेश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार हैं। हे देवेश, मुझ दिन अर्थात शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में मंत्र का प्रयोग भी बताया गया है। जो व्यक्ति दत्त चित्त होकर इस विधि से शनि देव का पूजन करेगा, स्वप्न में भी शनि का भय उसे नहीं सताएगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार को भक्तिपूर्वक इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनिश्चर के द्वारा थोड़ा बहुत भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें अर्थात 12वें स्थान पर स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाते हैं। शनि की शांति के लिए समाग्नि मंत्र का जप करना बताया गया है। उनकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार,
इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, धतूरे की माला से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़ का पेड़ अथवा नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से यथाविधि अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए 12 नामों का जप करें। अंजनी पुत्र, अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबल, हनुमान, रोमष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दस गरीब दरफा, उदधी कर्मण। ये 12 नाम जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है उसका अमंगल नहीं होता है, उन्हें सभी संपदा प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर वाला निरोग और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धिमान वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों में वृद्धि होती है, वीर्यशाली और कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमंत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामी हो जाता है और यक्ष, राक्षस तथा वेताल उसे देखते ही कांप जाते हैं, भयभीत होकर वेगपूर्वक दशों दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन और पूजन भी करना चाहिए। शनिवार के दिन उनका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त करने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण मास में पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनेश्चर नरसिंह हनुमंत पूजनादि शनेश्चर कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।